दोस्तों बिग बॉस 14 की बात करें तो सबको पता है सीजन आते ही बहुत सारे लोगों को अप्रोच मिल जाता है, जिसमें से बहुत कम लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं और हाँ बोलते हैं। जी हाँ, कभी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी डेट्स नहीं मिलते और कभी किसी को बिग बॉस करना ही नहीं होता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है ये सीजन घर में आने वाले एक और सिंगर, वह ये सिंगर जो है ये कोई और नहीं बल्कि राहुल वैद्य है। जी हाँ, उनका नाम आया है, कहा जा रहा है उनको अप्रोच किया गया था, और माइट बी ही कैन टर्न आउट। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि सबको पता है कि इंडियन आइडल में आपने राहुल वैद्य को देखा होगा और उस सीजन का विनर कोई और नहीं बल्कि अभिजीत सावंत थे। जी हाँ, इंडियन आइडल का ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन था एंड अब कहा जा रहा है कि राहुल वैद्य को बिग बॉस में आने के चांसेस है। वेल, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी है, बट येस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राहुल वैद्य को भी अप्रोच किया गया था। सो वेल, आप लोग मुझे बताओ, क्या आप राहुल वैद्य को बिग बॉस में देखना चाहते हो या नहीं? आपको क्या लगता है कि राहुल वैद्य बिग बॉस अगर ऑफर हुआ तो करेंगे या नहीं? लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक एंड आल्सो लेट सी कि आखिरकार बिग बॉस के कंटेस्टेंट है कौन, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत सारी राय हो चुकी है और जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।